चौबीस ही है ना चौबीस ही है भाई ये रहा स्टेशन भाई साफ सुथरा क्यों बंद कर लो दुकानदारी बताओ साला छुट रहा था छुट रहा होगा मुझे कहा मेरे से कैमरा क्यों दिखा रही है चलो आगे महंगी वाली गाड़ी है ना बेस मॉडल के महंगी बताओ तुम शर्म ना ही थोड़ी कैसे पूरी गाड़ी डिप करो डोर फिटिंग भी डिप पता भी लगेगा डिस्प्ले इसमें हैवी है नहीं बिल्कुल ऐसे जाती पियानो ब्लैक की तरह कौन वाली ये नया है हाँ ये देखो ये पास फिर दिखानी बनती है भाई हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है तो भाई सारे मेरे भाई को राम राम और भाई आज हमारे पास एक वर्ड्रस आई है पीपीओ फोन के लिए देखो चेरी कलर बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी सामने से देखने में देखो तो भाई आवाज में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो भाई समझ जाना कि तबीयत ठीक नहीं है दो तीन दिन से मैटर खराब है देखो इसकी फिटिंग विटिंग सब खुल गई है पीपीएफ हमारी ये आ गई पेंट गार्ड की भाई बहुत बढ़िया पीपीएफ ये और क्या है ये देखो सब अच्छा भाई मुझे लगता है इसका सनरूफ मुझे लगता है भाई करीबन करीब 20 इंच के आसपास इसका सनरूफ है और अंदर से देखो कितनी साफ है फिटिंग खुल गई तो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है नहीं फिटिंग रहती है ना तो बहुत साफ सुथरी गाड़ी देखो पता भी लगेगा डिस्प्ले इसमें हैवी है नहीं बिल्कुल ऐसे जाती पियानो ब्लैक की तरह यहाँ से लेकर डिस्प्ले तक और इसका डिस्प्ले भी भाई थोड़ा सा अलग है और बहुत अच्छी गाड़ी बहुत बंद रुपये ट्यून व्यून करा रखी है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसका देखो जरा वो मैनुअल तो हो जाता है अलॉय व्हील्स में मेरे ख्याल से 205/55/16 इंच के अलॉय आते हैं भाई गाड़ी में और मेरे को उम्मीद है भाई मेरे को मॉडल मॉडल तो खैर पता नहीं कितना टॉप मॉडल है बेस मॉडल लेकिन उम्मीद है कि टॉप ही मॉडल होगा क्योंकि सब चीज़ है इसमें तो भाई जो हमारी वरना थी ना उस्ताद ये मुझे लग रहा है छोटा मोटा काम जितना था इसमें तो सारा हो गया छोटा मोटा काम रह गया फिटिंग रहेगी और मेन पीपीएफ रहेगी पेंट करने का कुछ दिन छोड़ रखी थी गाड़ी और अब शाइन देगा अभी तो गाड़ी गंदी है जब देख लो शाइन अभी कपड़ा भी लगा इसमें पानी के निशाने बह रहे हैं हमने डिटेलिंग तो कर दी ना इसकी डिटेलिंग कर दी है खाली वॉश रहेगी वो तो कर रहा हूँ जब भी आया साफ कर रहा था इसकी हेडलाइट और टेल लाइट ये कहाँ है टेल लाइट स्टॉक रहेगी खोल रखी पीपीएफ की वजह से हेडलाइट कस्टमाइज हो रही है इसकी ठीक है और प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो वही रहेंगे प्रॉब्लम के चारों तरफ जो क्रोम रहता है ना वो सब होगा कार्बन फाइबर अच्छा वो सब डिप गया हुआ है जाली हमने चेंज इसकी करी थी जाली कर दी और इंटीरियर के पार्ट्स भी डिप होंगे सारे मुझे लग रहा है उसका गेट खुला कर खुल जाए तो और साइड में भी डिप कैसे हैंडल भी डिप पूरी गाड़ी डिप करो डोर फिटिंग भी डिप अच्छा ठीक है स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल वाला पैनल ठीक है हाँ तो ये अच्छे लगते हैं भाई होने के बाद गत्ते तो इसके खुले पड़े गत्तों में लगी एम्बिएंट लाइट डैम्पिंग हो चुकी है डैम्पिंग होगी तो भाई ये व्लॉग का है दूसरा दिन रेडी हो चुके हैं अब चल रहे हैं मॉडरेशन और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ भाई आज अंकित गया है मार्केट तो लोअर टी शर्ट शर्ट मतलब जो भी मैन फेयर होते हैं सारे लेने गए वो भी दिखाऊंगा आपको इसी व्लॉग में बाकी आज हमने भाई एक जोड़ी कपड़े निकाल लिए अपने लिए ब्लैक जीन्स थोड़ी क्रीम सी शर्ट है लाइनिंग वाली अच्छी लगती देख देखने बहुत हल्की शर्ट भाई अच्छा लग रहा है पहनना मज़ा आ रहा है बाकी जो भी सामान अंकित लेके आएगा वो आपको सारा दिखा दूंगा इसी व्लॉग में क्योंकि उम्मीद है मैं 3-4 बजे तक वापस आ जाऊँगा तो अंकित भी आ जाएगा तो जो भी चीज़ वो लेके आएगा इसी व्लॉग में दिखा दूंगा बाकी भाई किसी भी भाई को अगर कुछ ऑर्डर करना हो इन चीज़ों में से तो ये तीनों नंबर है व्हाट्सअप चलते हैं भाई तीनों नंबर पर किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर लो अमित भाई हाँ जी तुम्हारी गाड़ी ख़राब दिखे हाँ भाई गाड़ी ये पीछे कैमरा क्यों दिखा रही है चलो आगे रही है महंगी वाली गाड़ी है ना बेस मॉडल के महंगी बताओ तुम शर्म ना थोड़ी क्या देगा बेस मॉडल है तुम है? तो बता दी मैंने तो बता दी मैंने बेस मॉडल है तो लगते नहीं है देखो है ना कहीं से भी नहीं है इसमें एप्पल कारप्ले सब चीज है जैसे गाड़ी में बेस में सब काले वाले आते हैं सब सिल्वर विलर में आजकल कंपनी जो है ना बेस मॉडल में सब चीज देते हैं अमित भाई इधर आओ हां जी भाई ये खड़ी अमित भाई की कार इसमें क्या कराने का मन है भाई एक तो फोग लैंप डालेंगे भाई को मैंने भेजे हुए और अंडर बॉडी किट क्या बोलते लाइट अंडर लाइट लाइट है ना वो हाँ वो और इंटीरियर अंदर से ब्लैक टोटल जेड ब्लैक करनी है अंदर छत और पिलर सब नहीं सब गत्ते सारा सब कराऊंगा अगर कराऊंगा अच्छा जी पूरी ब्लैक रहेगी तो क्या देखने का मैंने ब्रीजा देखो फिर हाँ ब्रीजा देख के उसके बाद और जब खुलेगी जब लाएंगे एम्बिएंट लाइट हाँ एम्बिएंट लाइट होने के बाद एम्बिएंट बहुत तगड़ी लगती है तो ऐसे तो फिर हम वो भी लगा सकते हैं हाइड्रो डिप भी कर सकते हैं फिर तो बहुत सारे काम कर सकते हैं जब कर ही रहे हैं तो उसका वो नहीं लगाई स्टार लाइट जो मूविंग वाली है क्या बोलते हो स्टार लाइट बोलते हैं ना हाँ वो लटकी लग रही है डैम्पिंग की वजह से इसमें डैम्पिंग हो नहीं उसका नहीं रखी और लटकी हुई तुम्हें कहाँ से लग रही है बस हल्की हल्की दब रही है अंदर गौतम इन्हें ना कमी निकालने की आदत है भाई नहीं भाई मैं पूछ रहा हूँ पूछ क्यों रहा था अरे भाई कहाँ लटक रही है बताओ भैया देखे तो नहीं कहीं देखो ना भाई हाथ लगी हाथ लगा उतना फ्लेक्स वो कंपनी के उसमें रहता ही रहता है कपड़ा छूटा हुआ है
कहीं नहीं छट रहा कपड़ा वपड़ा भाई, बता छूटा हुआ है, कपड़ा छूटा हुआ है, बंद कर लो बेचते दुकानदारी, बंद क्यों बंद कर लो दुकानदारी, बताओ साला छूट रहा तो छूट रहा होगा, मुझे कहा मेरे से चाचा चढ़ा के छूट रहा, मेरा काम थोड़ी कराया है कैसे, और का जिन्ने करा साला अपना, नहीं वो हल्का सा छूटा, अब इसमें जो है ना आपका अगर करना भी है तो ये ब्लैक करा दो, ये हैंडल हैंडल ये तो कराऊंगा, ये मेरे को पता है, और ये चीज है ना ठीक है, अच्छी लगती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, कपड़ा अच्छा है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा है, बस आपका एक सीट चेंज करा लो, पूरी जड करो अंदर से ब्लैक, काली कर दो कहते हैं, पूरी काली, बहुत ठीक है, डन, बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत ही प्यारी लगती है भाई, मैं मेरा मन, तो भाई वाटर जो है ना लगभग सारे पीपीएफ कंप्लीट हो चुकी है इसकी, मुझे लग रहा है खाली एक उस्ताद बम्पर वम्पर रहेगा, कुछ और भी रहेगा, बम्पर अच्छा तो बच रही है भाई, देखो बोनट हो गया तो बोनट देख लो, अब ऐसा कैसे पता लगेगी यार, ये तो पता ही नहीं लगती कि हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन भाई हो गई है, बाकी जो वरना काम देखो, वरना का डीप का जितना भी काम था सारा कंप्लीट हो चुका है, अब अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार आपको, गौतम हो गया सारा, स्टेयरिंग दिखाएंगे उस्ताद, बढ़िया एक नंबर, अच्छा पूरा अंदर से लग रहा है, जितना पिछली वीडियो में दिखाया मैंने वो सारा उस वीडियो में बहुत सारे दिख रहे है ना, देखो स्टेयरिंग दिखाऊंगा अच्छे से, इसमें भी पीपे होगी भाई जल्दी, हो सकता है शायद कल ही हो जाए, लो ये रहा स्टेयरिंग भाई, साफ सुथरा है, इसका खाली एक यही पीस होता है बस, ये वाला पीस नहीं कराया, ये ओवर हो जाता है, ये स्टीयरिंग है ना पूरा जेड हो गया ना ये, पूरा जेड हो गया, और ये थोड़ा सा कार्बन फ्रिज का ये दे दिया, ये भी दे दिया उसका, एक अच्छी चीज बताओ अपने बारे में, कटिंग आ जाती है, बहुत से बंदे क्या करते हैं यहाँ लगा देते हैं, यहाँ मजा नहीं है, तो भाई गाड़ियों में यहाँ मत लगाओ, ऐसा लगा जितनी लंबी और बड़ी होगी ना, अगर गाड़ी में जगह है तो भाई लगा लगेगी उतना ज्यादा अच्छा लगेगा, सीधी रहेगी तो जितने मोड़ कम होगा उतनी अच्छी लगेगी, देखो ब्लैक है ये बेज है तो यहाँ अच्छा ट्रांजिशन, और इसको एक बार पलटी मारो, दुनिया कहती है ना ये बिना रिपीट करे लगेगी नहीं या ऐसा कुछ होता, भाई ये सारे ओरिजिनल रिपीट है देखो, तो भाई लगने के लिए लग जाती है, थोड़ी मेहनत कर रहा करो भाई, जितने भाई मेरे सारे लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बंदे काट देते हैं फिर पेच ठोकते हैं, देखो पेच हम भी ठोकते हैं, टाइम बचता है ना, नहीं चक्कर क्या ना, पेच हम भी ठोकते हैं, पेच लगाने के एक दो तीन चार पांच पेच हमने भी लगाए, और दो हमने देखो लगाए, रीजन बताऊंगा अभी, देखो दो लगाए हैं, यहाँ लगाने का मतलब ये था क्योंकि जब तक हम इसको खोलेंगे नहीं जब तक ये अंदर बैठेगा वायर के लिए, ये जो कपड़ा है तो मजबूरी बन गई हमारी यहाँ कि हमें दो रिपीट काटने पड़े बस खाली, और रही बात इनकी तो भाई ये इसलिए काटे थे पावर विंडो कंसोल खोलना क्योंकि हमें ये खोलना था, ये हमें करना था हेडवर्ड, ठीक है उस्ताद यही काम था, अब कल हम दिखा, अब हमने इंटीरियर का काम भी स्टार्ट कर दिया, तो ये जितने कपड़ा है आज हम पर टाइम नहीं है, आपको दिखेगा ये फेड हो गया है, कल आपको पूरा ब्लैक दिखेगा, ब्लैक तो ये और अच्छा लगेगा, अभी ये सिल्वर ज्यादा होगा गाड़ी में, ब्लैक हो जाएगा तो बढ़िया लगेगा, ये वैसा गंदा भी होता अभी, हाँ अभी है ना थोड़ा ड्रैगन हो जाएगा, अच्छा लगेगा, इसका कपड़ा चेंज करेंगे, इसको करेंगे ब्लैक मैट ब्लैक जो भी इसको कॉम्बिनेशन जैसे इससे मैच हो जाए, और बाकी जितने पार्ट सब आई रखें उसका, साइड मिरर है और गेट के ये और गेट के अंदर वो है कवर लीवर है, फॉग लैंप भी है, बिल्कुल लेकिन मेरे को उसका ऐसी इच्छा थी कि मैं ये पियानो ब्लैक होता है ना, बाहर पियानो ब्लैक अंदर का अंदर होता तो बड़ा मजा आता, बाकी सबकी देखो अपनी अपनी पसंद है, कोई दिक्कत, हाँ जी ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन ये हंसना रिकॉर्ड हुआ सब पहले वाली जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बटन नहीं दबा था, तो भैया सिस्टम हम सब भूल गए, अमित भाई ने सिस्टम लगाना बंद हमारे, देखो अब भैया हमने एक बहुत तगड़ा सिस्टम खरीद लिया, यूरो सारे सिस्टम फेल है उसका, देखो इसकी शक्ल तो दिखाओ सीधी करके सब है, अभी भाई इधर बटन दबाना, गाना देखो कितना तगड़ा चलेगा, अभी तेरी इसमें 5000 गाने हैं, तो भाई स्कॉर्पियो आई हमारे अंडर बॉडी लाइट के लिए, देखो अब इसमें अलग है भाई, ये है 24 इंची और हमें लग रहे थे ये 22 इंच, लेकिन 22 नहीं भाई 24 है, देखो ये 295 35 24, ये जो अलॉय जो है ना उसका कम जेगा शायद, ऐसे मुझे उम्मीद है, चौड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है क्योंकि इसके टायर जो है ना बिल्कुल फ्लैट है, एक तो अलॉय भी थोड़ा स्ट्रेट ही रहता है, लेकिन अलॉय जो है टायर के अंदर अंदर है भाई, 24 ही है ना,
24 है भाई उम्मीद है। मैं तो अपनी ब्रीफ में काम कर रहा है लेकिन ऐसा दूर से लगा था मुझे बैच समझ रहा फिर मैंने पहले चेक करा। हाँ भरा हो जा रहा है डंडी ज्यादा रहे तो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लग रहा है। सिल्वर हो गए कईन ने गिरवा रखे नहीं ये बढ़िया लग रहे हैं कोई दिक्कत ना लेकिन छोटे छोटे लग रहे हैं ऐसा मुझे फील हुआ। पहले पहले चेक करें मैं 24 ही है तो भैया 24 ही सीधी सी बात है। एक चीज और जो हर सुख में है ना उसमें टायर लग रहा है 305 उसमें टायर जो है ना हाँ ये लो प्रोफाइल है हाँ उसमें डल रहा है 305 35 24 इसमें डल रहा है 295 35 24 तो इसलिए थोड़ा सा टायर बाहर है और अलग हल्का सा अंदर है। अच्छी चीज है अलग सेफ रहेगा ना ना स्क्रैच लगेंगे ना कुछ नहीं तो जैसे हमारे में लगते रहते हैं जो भी लगेगा साला टायर पे लगेगा बात ही खत्म। टायर भी बहेंगे इसके ये कितने का डलेगा भाई भाई टायर 22,000 का एक टायर यहाँ पे गिरवाए भाई यूनिवर्सल वाले पे दिल्ली कितने के पड़े चारों भाई 22,000 का थ्रेडी होगा 80,000 का इससे बड़ा एक हो रहा था देखो कितना बम्पर कट रहा है तकड़ा सिस्टम है। 100 करने हर एक के बस की थोड़ी है 100 करने में पैसा लगता भाई जी भी चाहिए 100 करने में पैसा सस्ते है वो खर्च कहाँ करना है कैसे करना है यहाँ करना उस साइज में दो सेट लगा रहे हो देख ना वो मैं देख रहा था अभी डबल डबल लग रही है डबल डबल मैं दो दो चार दो छः दो आठ आठ लगी तो दिन निकाल देगी रात में दोनों कार्ड ही है मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट आती है अभी यही है भाई इससे ऊपर तो अच्छी मुझे कोई लगती नहीं मैंने दुनिया भर की चला ली सबसे अच्छी अंडर बॉडी यही लगती मेरे को। ये मूविंग है नॉन मूविंग है नॉन मूविंग खाली कलर चेंज करेगी ऐप से ठीक है मूविंग कोई इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं वो कभी कभार के लिए तो भाई स्कॉर्पियो में तो अंडर बॉडी लग रही है लेकिन अब चलते हैं हम घर अब देखते हैं शू गैलरी पे अंकित आया कि नहीं आया और क्या माल लेके आया वो आज। अजी माल लगा लिया सारा माल लगा लिया चलो तो चलो तो भाई रात को थोड़ी सी दिक्कत रहती है कस्टमर रहते हैं शाम को चलो तो अब जो जो लाया फटाफट एक एक करके सारा दिखा दो जो भी लाया कल ठीक है। नए आर्टिकल्स आए हैं आप सबके लिए मुझे लग रहा है एक एक शर्ट में दो दो तीन तीन कलर तो होंगे बिल्कुल है ना दो कलर से कम तो खैर आते भी नहीं और ज्यादा कलर भी है ज्यादा कलर भी है और साइज इसमें ना सभी एम से लेके डबल एक्सएल तक डबल एक्सएल एम एल एक्सएल डबल एक्सएल ये पॉपकॉर्न वाली ये नया है हाँ ये देखो ये पास से दिखानी बनती है भाई ये बहुत अच्छी चीज है फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका ये वो इम्पोर्टेड में है ये इम्पोर्टेड है इसमें ब्लैक और ग्रे दोनों कलर है अपने पास बिल्कुल देखो ये दो कलर है दोनों ही बहुत अच्छे कलर है ये वाली भी अच्छी है हाँ ये भी अच्छी है इसमें भी दो कलर है ब्लैक एंड ब्लू दो कलर है बहुत बढ़िया ये जो चल रही है आजकल ये पुरानी पहले चलती थी कभी दोबारा चलने लगी कलम बात ही कर रहे थे हाँ सेम वही मिल गई मार्केट में दोबारा मिल गई अच्छी चीज है बहुत बढ़िया देखो क्वालिटी तो एकदम बेस्ट है हमारे तो जींस भी अच्छी हैं कुछ जींस अच्छी हैं जो दोबारा रिपीट हो गई इस बार हाँ वो तो भाई जब बिकेगी सेल पे अच्छी आएगी तो दोबारा आएगी जैसे ये वाला रिपीट है ये रिपीट है पर अच्छी चीज है ना डिमांड है ऐसे ऐसे करके दिखा अच्छी लगेगी देखने में ऐसे ना हाँ ऐसे करके ये स्ट्रेट वो बेल बॉटम थी एक नंबर इनकी रेंज की बात करें तो रेंज तो बताई नहीं ना शर्ट की बताई ना जींस की बताई शर्ट जो है भाई वो 500 से लेके 900-850 रुपए तक की है ठीक है बढ़िया और जींस जींस जो है सभी 1000 रुपए से लेके 1400-1500 रुपए तक की जींस भी है हमारी ठीक है और टी शर्ट भी है कुछ और टी शर्ट जो है सब 500 से लेके वो सेम शर्ट वाला है 850 जिसमें जो साइज मिलेगा वो मुझे लग रहा है 30 से लेके 36 के आसपास मिलेगा 28 भी है दो चार वो मिलता है 28 थोड़ा कम आता है और कुछ है जो 38 भी है हमारे पास ये बहुत अच्छी चीज है ये प्रीमियम है सारी बिल्कुल प्रीमियम है कुछ लोअर टाई टी शर्ट है इस तरह की टी शर्ट और भी बहुत सारी है ये सब है बाकी अपना नंबर बता दो क्योंकि वीडियो जाएगी बहुत लंबी फिर मजा नहीं आएगा देखने में बिल्कुल 888-222-6639 व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा बहुत सारी चीजें ठीक है शू गैलरी से आगे स्टोर पे और जो हमारी बर्थडे थी उसकी PPFO की डन और आपको दिखा देता हूँ पर PPFO का ना पता नहीं लग पता भाई कि ये हो रही है कि नहीं हो रही देखो फिनिशिंग चेक कर ये जैसे आपको ये निशान दिख रहा होगा तो भाई ये पानी का है थोड़ी बहुत धूप लगेगी दो चार दिन में तो ये भी ठीक हो जाएगा ये दो चीज़ हो रहती है जैसे ये देखो
ये जो है ना ये इसमें आप हल्का सा मॉइस्चर है, ये जब धूप पड़ेगी गर्म होगी हीट होगी तो अपने आप चला जाएगा सारा इस तरह। जितने भी कर्व्स हैं किनारी हैं कोने हैं सब एकदम यहाँ से पता लगता है मेन कि फिनिशिंग क्या कहती है, क्योंकि बबल तो भाई देखो तो जब पीपे होती है तो थोड़ा बहुत पानी पानी डाल के चढ़ती है इसलिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ जाता है, लेकिन वो मॉइस्चर जो है ना 10-15 दिन में अपने आप चला जाता है। मेजर कहीं नहीं है देखो छत पर बिल्कुल साफ गाड़ी को। तो भाई यही थी अपनी पूरी वीडियो, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल करें सब्सक्राइब। तो भाई मिलते हैं अपने मतलब तक ले राम राम जय बाबा।